तो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को ढेर सारी बधाई कि फाइनली सोहना एलिवेटेड रोड ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इसे ओपन किया गया है ट्विटर के माध्यम से। माननीय नितिन गडकरी साहब को आना था इसके ओपनिंग में, लेकिन उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही व्यस्त था और इस वजह से वो यहां पर आ नहीं सके। और सुबह से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि एक नया डेट जल्दी अनाउंस हो और फिर उस दिन को जाकर यह सोहना रोड ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन किया जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी साहब भाई, ऐसे इनको रोड करी नहीं कहते। इन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि नया डेट आएगा और उसके बाद में जाकर उस रोड को ओपन करूंगा। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से ही इस रोड को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। जी हाँ, यानी कि ऑफिशियली आज के दिन से ये सोहना रोड स्टार्ट कर दिया जा चुका है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। और हमारा आपका बहुत सारा टाइम भी इस सोहना रोड के माध्यम से आज के बाद सेव होने वाला है। फाइनली ये ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया जा चुका है, तो मैं इसके ऊपर ड्राइव करके आपको आगे लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसा ये सोहना रोड फाइनली बना है। ये जो जगह है ये है सेक्टर 67, और इसी जगह से ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये आगे राजीव चौक तक जाना है। स्पीड लिमिट की इसके ऊपर बात करूं, ये जो एलिवेटेड पार्ट है यानी कि ये जो एक्सप्रेस लेन है, इस पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। और आपको इसके ऊपर बोर्ड भी अब दिख जाएगा जिस पे लिखा है 100 किलोमीटर। टोटल ये 5 लेन है, 3 लेन का एक्सप्रेस लेन है, 2 लेन का सर्विस रोड है। स्पीड लिमिट तो मैंने आपसे दिखाई दिया है, मैंने आपको बता ही दिया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। और राजीव चौक तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए, क्योंकि राजीव चौक जो गुड़गांव है यहाँ से वो है 10 किलोमीटर का। और बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया है ताकि इंडिया के दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसों को आपस में ये जोड़ा जाए, और इसी वजह से इसका पूरा निर्माण किया गया है जिसे सोहना एलिवेटेड रोड कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वो यही पार्ट है फेज वन का, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लोडाउन आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा जब लोग सोहना से गुड़गांव की तरफ जाते हैं, या फिर जब लोग जाते हैं वाटिका चौक से आगे राजीव चौक की तरफ या फिर दिल्ली मानेसर। तो इसी वजह से ये जो फेज वन है ये बड़ा ही क्रिटिकल हो जाता है। इसके नीचे है वाटिका चौक, और वाटिका चौक के ठीक ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ा गया है ताकि अगर आपको यू टर्न लेना है इस एक्सप्रेस लेन से तो आप ले सके। इसे इमरजेंसी के टाइम पे भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्लोडाउन लग जाता है इस एलिवेटेड पार्ट पे कभी भी, तो दूसरी तरफ के लेन को यूज़ करके आगे की तरफ जो ट्रैफिक है वो जा सके।
मौसम के कितने सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, बीच में फिर बारिश होने लग गई और यहाँ पर देखोगे तो कोई इसका नामो निशान भी नहीं है। ये इसका अंडरपास का हिस्सा, अंडरपास का जो हिस्सा है ये भी है थ्री लेन का, और यहाँ पर ये जब अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है और जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा तो इस सोना रोड पे हमें और आपको बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिलेगी, क्योंकि उस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के जरिए आप जा सकते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तक। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक लिंक रोड दिया है जिसके जरिए आप जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकते हैं। और अब फाइनली ये परियोजना जो है ये ख़त्म होने को आया है। 3 किलोमीटर है यहाँ से गुरुग्राम, और इस जगह पर आगे आपको दिखेगा राजीव चौक। जैसे इसको क्रॉस करोगे इस सोना रोड को, तो उसके बाद अगर आपको गुड़गांव जाना है तो आगे एक आपको अंडरपास दिखेगा, उसके जरिए आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको मानेसर जाना है, अगर आपको दिल्ली जाना है, तो आप यहां से एग्जिट लेकर और फिर दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे कनेक्ट करके जा सकते हैं। यकीन मानिए मुझे खुशी इस बात की हो रही कि ये स्टार्ट तो हो ही गया, साथ ही साथ इसको जो स्टार्ट करने का जो तरीका है, वाव, सोशल मीडिया के जरिए इस देश में रोड का उद्घाटन किया जा रहा है, सुनकर ही इतना अच्छा लगता है। और सोचिए ये काम नितिन गडकरी साहब ने कर दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।